गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू एंड अनदर ब्लॉग। तो गाइस आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम लोग नेपाल जा रहे हैं और ये मेरा फर्स्ट ट्रिप है नेपाल के लिए। तो आप लोग वीडियो में बने रहो एंड वीडियो को इन्जॉय करते रहो। हम लोग अभी शिव मंदिर बोट से बास पकड़ कर अभी पानी टंकी तक आ चुका हूँ। अभी इधर से पैदल भी जा सकते हो आप लोग और टोटो से भी जा सकते हो। तो हम लोग अभी डिसाइड किया है कि थोड़ा दूर पैदल ही जाएंगे। ये जो ब्रिज दिखाई दे रहा है ये नेपाल और इंडिया से कनेक्टेड है। तो गाइस फाइनली हम लोग अभी नेपाल पे एंटर कर चुके हैं। अभी पता नहीं किधर जाना है, बस ऐसे ही आ गए हम लोग। इधर उधर घूमेंगे, थोड़ा फोटोज भी क्लिक करना है। तो चलो कर दे। तो दोस्त लोग हम लोग आ जाए हैं नेपाल। नेपाल का रास्ता घाट देख के ऐसा लग रहा है ये तो हम अगर इंडिया में भी शूट करेंगे ना तो बोल देंगे ये नेपाल है। हो गया। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सिंपल, सब सेम ही है। घर रास्ता भी सेम है, घर बाड़ी भी सेम है। ईट से, सीमेंट से बना रहा है, कॉन्क्रीट से रास्ता है। गाड़ी भी वैसे ही है। नेपाल तो आ ही गए लेकिन घूमने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम लोग रेंडमली घूम रहे हैं ऐसे ही। यही मजा आ रहा है, यही कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। सबसे बेटर से सेल्फी लाना है। वहाँ पर आपने घूमने के लिए आउटसीन होगा। अच्छा अच्छा, घूमने के लिए जब बहुत दूर है यार। लगभग समथिंग आपको 22-25 किलोमीटर ज़्यादा ही होगा। टाइम भी नहीं है ना। आसपास में नहीं है घूमने का? आसपास तो अच्छा वाला तो नहीं है। बगान है घूमने के लिए, चियापत्ती बगान। चियापत्ती बगान वही चियापत्ती। उस साइड पे क्या है? उस साइड वो साइड में बाजार है, वही है। दुलाबाड़ी घूमो शॉपिंग करने के लिए। तो गाइस फाइनली घूमते घूमते एक पार्क जैसा तो मिल ही गया है। अभी हम लोग इसका अंदर आए हैं और व्यू देख सकते हो आप लोग पीछे। इधर थोड़ा बहुत फोटोज क्लिक करेंगे उसके बाद बाहर जाएंगे। तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक है घूमने के लिए, छोटा ही है लेकिन ठीक ठाक है। घूमना ख़त्म हो गया इधर। अभी हम लोग इधर से निकल रहे हैं। हम लोग अभी नेपाल पे है गाइस। बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं कि नेपाल आ गए इंडिया से बाहर। ये फर्स्ट टाइम है कि इंडिया के बाहर आया हूँ हम लोग। घूमते घूमते टायर्ड हो गए गाइस, इसलिए कुछ खाने के लिए सोच रहा हूँ। वो जो पीछे दुकान दिखाई दे रहा है इसी में हम लोग मोमो खाने वाले हैं। देखते इधर का मोमो कैसा रहता है एंड टेस्ट कैसा है, खाने के बाद बताता हूँ आपको। तो गाइस हम लोग अभी एक चाउमीन और दो चिकन मोमो ऑर्डर किया हूँ और नेपाल में हम लोग अभी ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। तो देखते हैं इधर का टेस्ट कैसा रहता है। तो गाइस हम लोगों का अभी खाना आ गया है, देखते हैं खा करके। मोमो का टेस्ट तो मुझे ठीक ठाक ही लगा, बट मुझे उतना भी अच्छा नहीं लगा चाउमीन का टेस्ट। इंडियन करेंसी चेंज कर कर डॉलर लिया है। गाइस देख ही सकते हो ये $1 है जो नेपाल में इधर करेंसी चेंज कर कर लिया है। इसका प्राइस लिया 83 इंडियन करेंसी। ये वाला है नेपाल का करेंसी, ये 10 रुपया इधर का देख ही सकते हो। तो गाइस फाइनली हम लोगों का नेपाल घूमना ख़त्म हो गया है। अभी हम लोग इंडिया के लिए निकल रहे हैं इधर से। मुझे नहीं लगता है कि कुछ खास कर पाए हम लोग ब्लॉग पे, लेकिन जितना हुआ उतना ट्राई किया हूँ थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने का, क्योंकि इधर तो जाना पहचाना भी नहीं है। तो जितना हुआ ट्राई किया हूँ हम लोग। तो गाइस हम लोग अभी नेपाल से थोड़ा बहुत घूम ही लिया हूँ और काकड़ बिठा एरिया के आसपास में। अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, मतलब अभी हम लोगों को शिव मंदिर तक जाना है पानी टंकी से। तो अभी हम लोग बस पे आ गए हम।
तो गाइस देख ही सकते हो हम लोग अभी रूम पे आ गया हूँ एंड आज का ब्लॉग इधर ही खत्म करते हैं। अगर ये वाला वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा है तो जरूर से एक लाइक कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय।